है उसके आगे बहर भी कश्ती बकफ गदा, खोले नहीं सदफ ही न कुछ लब सवाल के। क्या कह रहा है यहां पर शायर, देखिए कि है उसके आगे, किसके आगे, आशिक नेहाय चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आगे, बहर भी, जो हम बहर देखते हैं यानी समंदर देखते हैं, वो भी ऐसी है जैसा कि समंदर में जो पानी है वो पानी की वजह भी। यहां पर शायद कह रहा है कि आशिक नेहाय चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो गदा के माने हैं फकीर, जिस तरह से फकीर कुछ हासिल करने के लिए कटोरा फैलाता है, समंदर भी आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने कटोरा लिए खड़ा है ताकि उसके अंदर तमाम चीजें, पानी और तमाम चीजें, उसकी जानवर, उसमें रहने वाले तो तमाम आ जाएं, कि है उसके आगे बहर भी कश्ती बकफ गदा, ऐसा है जैसा कि वो भी कटोरा लिए हुए खड़ा है। खोले नहीं सदफ ही ने कुछ लब सवाल के। सदफ, आपको पता होगा कि खोले नहीं है सदफ ही ना कुछ लब सवाल के। सदफ के माना सीप है, असल में माने बताना मेरा मकसद नहीं है, माना नहीं बताना चाह रहा था मैं, लेकिन कह दे रहा हूँ अभी। खोले नहीं सदफ ही ना कुछ लब सवाल के, यहाँ पर तशरी तलब ये बात है कि सदफ सीपी, और ये सीप जो होती है गूंगा, जो एक आपके पानी में रहने वाला जानवर है, तो वो जिस खौल में रहता है उसको सीप कहते हैं। तो सीप जब बारिश बरसती है तो हर सीप ये चाहती है कि उसके अंदर एक खतरा पानी का आ जाए, क्योंकि इसके अंदर बात ये है कि जो खतरा सीप में आ जाता है और वो सीप बंद हो जाती है तो वो मोती बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि खोले नहीं सदफ ही ने कुछ लब सवाल के। सदफ जो मुंह खोल रही है पानी की चाह में, खतरे की चाह में, वो यूं ही नहीं खोल रही, बल्कि वो भी चाह रही है कि उस पर भी इनायत और करम हो जाए आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। यानी जो चीज है वो ये कि जो सीप होती है, सीप में पानी का कतरा अगर गिर जाए और वो बंद हो जाए तो वो बदल के अल्लाह ताला की कुदरत से वो मोती बन जाता है, जो कीमती होता है, सांचा मोती जिसे कहा जाता है, बहुत कीमती होता है। तो ये सदफ में बनता है, और हर सदफ में आपको मोती नहीं मिलेगा। गोताखोर जब समंदर में गोता लगाते हैं, मोतियों सीप उठा के लाते हैं, तो हर सीप में उन्हें मोती नहीं मिलता, चंद सीप में मिलता है। अल्लाह की शान है जिसको नवाजे नवाज दे। तब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सदफ भी जो मुंह खोलती है और खतरे की तलब रखती है, वो भी सवाल करती है आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। अरे मतलब यहाँ पे इनकी करामतों का जिक्र कर रहा है, ये भी करामत है, इनकी वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला की जानिब से ये बात होती है। कश्ती गदा की, कश्ती पर जर हो आद में, दस्ते अता से इस शह दरिया नवाल के। अब यहाँ पर भी देखिए आप किस तरह से शायर कह रहा है, कश्ती गदा की कश्ती पर जर हो आद में, जर के माने असल में सोना है। कश्ती गदा की, फकीर, फकीर जब अपनी कश्ती को चाह, यानी उसकी चाहत है कि वो मालामाल हो जाए, तो एक पल आंध, तो पल पल में भी वो मालामाल हो जाता है, फकीर मालामाल हो जाता है। कब? जबकि अता हो जाए आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, दस्ते अता से, अता के हाथ से, ये मरकब लफ्ज है। अता करने वाला हाथ किसका हाथ? आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का। इस शह दरिया नवाल के, शह के माने बादशाह, इस दरिया के बादशाह, यानी यहाँ पर इस्तियारा जो किया गया है दुनिया के लिए किया गया है, दुनिया के बादशाह कह रहा है शायर यहाँ पर। अगर वो चाहें तो पल भर में मालामाल अवाम को कर देते हैं, उनके मुरीदैन को कर देते हैं। है इसके दर के खाक नशीन इस कदर गनी, खां वो मिल चुके हैं ना जो या है माल के। है उसके दर के खाक नशीन इस कदर गनी, खाक नशीन उनके कोई वजूद ना हो, कुछ भी अहमियत ना हो। खाक नशी, खाक के माना मिट्टी है, हाँ मिट्टी में रहना, गरीब से गरीब तर भी, आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गरीब तरीन मुरीद भी, गरीब तरीन उनका चाहने वाला भी गनी है।
अब यहाँ पे गनी से जो मतलब है इसको समझने की जरूरत है। यहाँ गनी से मुराद मतलब यह नहीं है कि मालदार, वो तो है साहब नशीन कमतर है, वो मालदार नहीं है, फिर कमतर है, फिर यहाँ गनी कैसे हुआ, मालदार कैसे हुआ? मतलब यह है यहाँ पर कि वो कमतर है लेकिन आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उसको साथ हासिल है, इसलिए वो धनी है। यानी दौलत से माला माल नहीं है, वो दौलत से माला माल नहीं है, आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के इश्क से माला माल है। अरे जब बुजुर्गाने दीन के साथ रहते हैं, यानी अच्छी सोहबत में हम जब रहते हैं, तो उनके जो असरात, उनके अवसाफ हमारे अंदर दाखिल होते हैं, तो हम दुनिया की परवाह नहीं करते। तो वो असल दौलत है, जो हम दुनिया की परवाह न करें, आखिरत की लौ लगाए रखें, वो हकीकत में दौलत है, वो हकीकत में गनी इंसान है। दौलत वाला गनी नहीं है, जो दुनिया से लगाव रखता है वो गनी नहीं है, जो आखिरत से लगाव रखता है, आखिरत उसका मंशा होती है, वो गनी है। क्योंकि वो दुनिया को खातिर में नहीं लाते, तो वो आखिरत की तरफ लगे हुए रहते हैं, तो उन्हें गनी कह रहा है। खा वो मिल्क के है ना, जो यहाँ है माल दे, फिर यहाँ पे शिर कर रहा है दूसरे दूसरे में कि ना मिल्क है, मिल्क जायदाद है ना उनके पास, ना ही उनके पास दौलत है, फिर भी वो गनी है। क्यों गनी? इसलिए तो उनका दिल मुतमाइन है। जब दिल मुतमाइन हो जाता है, कल्बे मुतमाइना जिसे कहते हैं, वो मुतमाइन दिल हो गया, तो उसकी दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती, तो ना ही माल चाहिए, ना ही उसे जायदाद चाहिए। और फिर आगे बढ़ते हैं और तारीफ कर रहा, करते हैं जानवर भी हमेशा उसी का जिक्र, उसी का जिक्र से मुराद यहाँ पे आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हैं। जानवर भी हमेशा उसी का जिक्र, जानवर भी यहाँ तक इंसान नहीं बल्कि जानवर भी आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हैं, मतलब अल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए कह रहा है कि करते हैं जानवर भी हमेशा उसी का जिक्र, निकले है फिर सदा मुंह से लाल के। एक परिंदा है जिसका जिसको लाल कहा जाता है, और उसकी आवाज जो होती है, अरे कि कौवा कहाँ कहाँ करता, चिड़िया चू चू करती, इसी तरह से जो लाल जो छोटा सा परिंदा होता है, वो परिंदे की आवाज यह है कि पीर पीर आवाज निकलती उसके मुंह से। तो यहां पर कह रहा है पीर से मुराद यहां पर दो माने, एक माना उसकी आवाज है, दूसरा माना यह है कि जो बैत होता है कोई किसी बुजुर्ग शख्सियत से मुरीद होता है, तो वो उस शख्सियत को अपना पीर कहता है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि वो उसकी तो आवाज ही छे, क्या आवाज है, पीर पीर निकलना, जैसा चू चू ये आवाज है, इसका मतलब और कुछ नहीं, उसी तरह से उसकी आवाज लाल की पीर पीर है। तो मगर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आवाज निकलती है पीर पीर, यानी मुर्शिद की, कौन सी मुर्शिद है, आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, लाल भी आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पीर पीर कहकर पुकार रहा है। और आगे बढ़ेंगे दूसरे हिस्से में, अब यहाँ पर आ रहा है ग्रेस भी कर दिया है वो, और यहाँ पर आ रहा है आपके मिड में, जी चाहता है होके मुखातिब बयान करूं, औसाफ ऐसे शाह करामत फसाद है, ऐ सैयद जलाल के खुर्शीद पुर जलाल, कुर्बान जाइए तेरे जाह व जलाल के, गर्दों भी पस्त होके हुआ खूब मन फैल, रुतबे को देखकर तेरे औजे कमाल के, अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने जाम में, खतरे जबी पे हैं अरफे अनफाल के, देखा जो तेरे फैज को जारी तो रह गया, दरिया भी मुंह भंवर के गिरेबा में डाल। अब यहाँ पे तारीफ को तौसीफ बयान कर रहा है, शायद जी चाहता है ओके मुखातिब बयान करो, अब मेरा भी जी चाह रहा है। शेख इब्राहिम लोग कह रहे हैं कि मेरा भी मन चाह रहा, मेरा भी दिल चाह रहा, मेरा भी इरादा हो रहा कि मैं भी आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मिद करूँ, कि मिद सराय करूँ, उनके औसाफ को बयान करूँ, उनसे मुखातिब होते हुए। कैसा औसाफ ऐसे शाह करामत फसाल के, किसके औसाफ बयान करूँ, आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, कैसे औसाफ है, वस्फ की जमा है औसाफ, ऐसे शाह करामत, करामत है यहाँ पर देखिए मौजजा होता है और फिर करामत भी होती है, औलिया दीन से जो महरुल अकल, यानी अकल जिससे इनकार करती
करामत कहलाती है। और नबियों से जो सरजद होता है यानी जिसे हम इनकार कर, अकल को यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे मुमकिन है, तो उसको कहेंगे मुआजिजा। जैसा कि आपके मूसा के पास असा था, वो मुआजिजा, असा को कहीं डाल देते वो सांप बन गया, तो मुआजिजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा उंगली से चांद पर इशारा किया, चांद शक हो गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजीज़ा। सबसे बड़ा मुजीज़ा कुरान मजीद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो नबियों से जो जिसको अकल इनकार करती है, अकल यकीन नहीं करती, तो मुसलमान को ईमान की शान है, ईमान की बुनियाद है कि हर चीज़ को हम यकीन करें, उसको माने। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो नहीं मानते इस बात को, तो क्योंकि दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से जब सोचते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन होता है, अगर ऐसी हरकत सरजद हो जाए तो वो अगर अलिया दीन से हो तो उनको करामत कहा जाता है। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है कि औसा फैत शाह करामत, करामतें करने वाले बादशाह आशिक नहा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो खसाए से मालामाल है, उनकी औसाफ क्यों ना मैं बयान करूँ। ऐ सैयद जलाल के खुर्शीद पुर जलाल, सैयद जलाल के खुर्शीद पुर जलाल, यहां पर भी शायद देखिए सैयद जलाल, सैयद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर खुर्शीद पुर जलाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर खुर्शीद कह रहा है यानी आफ्ताब सूरज। और इन्हीं की वजह से यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से जो आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को वस्तु मिला है, जो खसूसियात मिली है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जानिब से हैं। आए सैयद जलाल के खुर्शीद पुर जलाल, पुर जलाल तो उनका नूर, खुर्शीद से मुराद यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। कुर्बान जाइए तेरे जाहो जलाल, अरे जाहो जलाल किसकी वजह से है आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर है, वो नूर की वजह से आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी जाह व जलाल, उनकी हैसियत, उनका रुतबा बढ़ गया है।